सुबह पर्स चोरी हो गया है, मुझे पैसे नहीं है बिल्कुल, मैं क्या करूँ? क्या खुशियों में लेना चाहती है तो तुम्हारे दुख को हम एडमिट है। क्यों रही हो तुम? नहीं बिल्कुल नहीं रोते प्लीज, ऐसी क्या बात है, रोना जरूरी है? जब मैं कह रही हूँ मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। आप बहुत बड़ा अमाउंट है, आप मैं भी दूंगी तुझे तो मुझे अपनी बहन मानती हूँ। कैसे लुटाऊंगा आपको वापस? मेरा नंबर है, मैं सेफ्टी में हूँ और मैं क्या कहते हैं मुझे हर कोई जानता है। जा दो, मैं इतनी हेलो राहुल। हाँ राहुल भैया, वो पेमेंट करवा दो यार, आप कह रहे थे ना आप मिल जाओगे मुझे। यार राहुल करवा दो यार, मेरा पर्स चोरी हो गया सुबह, मुझे बहुत अर्जेंट काम है राहुल, तुम्हें पता है मुझे जाना है हॉस्पिटल, जाना है मुझे लेके। यार तुम्हें समझ भी नहीं आता एक बार की, यार ये क्या तरीका होता है राहुल, अब तुम एंड टाइम पे मना करो, तुम्हें पता है मेरा पर्स चोरी हो गया, मेरे पास पैसे भी नहीं, मेरे पास यहाँ दिल्ली में कोई है भी नहीं मेरा अपना, मैं किसी से उधार मांग लूँ? ठीक है राहुल यार, ओके। हेलो, हाँ जी, क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम? नहीं कोई प्रॉब्लम। मैं गुस्से में क्यों हूँ? नहीं कुछ नहीं, गुस्से में नहीं हूँ। आपके पास आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, बोलो क्या? नहीं कुछ नहीं। माना कि अगर हम एक किन्नर हैं तो आप हमसे बात करना पसंद नहीं करोगे? नहीं, मैं बात करने की बात नहीं कर रहा, मैं तो पेश नहीं। मुझे पता नहीं क्या बात है, क्या नाम है आपका? अंकुश। अंकुश, मैंने आपको एनसीपी में फर्स्ट टाइम देखा है। हाँ मैं पहली बार आया हूँ एक्चुअली, मुझे मेरा दोस्त है सोनिया। तो अंकुश इतनी सीरियस क्यों हो? कुछ बात हो गई है क्या, किसी ने कुछ कहा? बात कुछ भी नहीं हुई, बस वही मतलबी लोग दुनिया के। क्या मतलब है? एक्चुअली मेरा एक दोस्त है यहाँ पे, मैंने उसको पैसे के लिए बोला था, मेरा भैया हॉस्पिटल में एडमिट है, अब वो एंड टाइम पे मना कर रहे हैं मुझे, तो एक्सीडेंट हो गया था उसका। हम लोगों को कोई तकलीफ होती है हम खुद झेलते हैं ना, तो एक बार बताओ भैया की तबीयत खराब है वो सही हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप इतने मायूस क्यों हो रहे हो? अब पैसे नहीं है ना मेरे पास, यहाँ दिल्ली में कोई, मेरा सुबह पर्स चोरी हो गया है, मेरे पैसे नहीं है बिल्कुल, मैं क्या सुबह पर्स चोरी किस टाइम की? सुबह मैं रेलवे स्टेशन उतरा था तब चोरी हो गया। हाँ नहीं, ये रेलवे न्यू दिल्ली वाला नहीं, बाहर स्टेशन से बाहर उतरा गायब, अप्रोक्स 9,000 आसपास होंगे। तुम केस मत करो बिल्कुल भी। मैं क्या करूं, मुझे हॉस्पिटल जाना है, मैं कॉल भी नहीं कर पा रहा हूं किसी को, घर से पैसे भी नहीं है, कैसे दूं? आज भी बताओ अगर तुम्हारी कोई हेल्प करे तो। यहाँ पे कौन हेल्प करेगा मेरी, कोई भी, मैं किसी को नहीं जानता, तुम्हें कोई भी नहीं लगता? पक्का दिल में हाथ रख के कहना कि तुम्हें कोई यहाँ पे नहीं है मैम, कोई भी आप तुम्हारे दुख में दुख नहीं हो सकते जब हम, आप क्या करोगे बताओ, क्या खुशियों में लेना जानते हैं तो तुम्हारे दुख को हम क्या नहीं क्या कर सकते आप बताओ? मैं हेल्प कर सकती हूँ, जब आप पे हो तब आप मुझे दे देना, मैं आपकी हेल्प करूँगी। मैं आपसे कैसे पैसे ले सकती हूँ? क्यों, हमें तो आपको देना चाहिए उल्टा। लेकिन हम भी तो आप लोगों से लेते हैं, जब खुशी होती है तुम्हारे यहाँ, कोई शादी होती है, कोई बच्चा पैदा होता है या कोई खुशी होती है, हम लेते नहीं आप लोगों से? मुझे इतना बुखार है, आपको लेकिन क्या कहते हैं आप अभी तक आए नहीं थी, उसमें रखा हुआ था पर्स पीछे वाली जेब, अंकुश मेरा भैया एडमिट है। क्यों रहे हो तुम? नहीं बिल्कुल नहीं रोते प्लीज, ऐसी क्या बात है, रोना जरूरी है? जब मैं कह रही हूँ मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। आप बहुत बड़ा अमाउंट है, आप कहाँ से अभी हेल्प कर दोगे? कहीं से भी करूँ मैं करूँगी ना, बात खत्म। ये लो,
हाँ मैं मत करो प्लीज आप मत, मैं नहीं मांग रहा हूँ मैं आपको छूते मैं देखो मैं भीख मांग रहा नहीं कैसे पता कि लड़का का जो पति मुझे मेरे दिल ने कहा मेरे मन ने कहा और ये लड़का तुम्हें मत दो आप, लगता है मत दो मैं भीख मांगने वाला नहीं हूं अंकुश गुस्सा ना हो वो मुझे क्या रही है आप नहीं करेंगे इसको करती वो मुझे क्या रही है अंकुश हमारे लिए कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए सब नहीं होगा देख मेरी जीवर कितनी हरी है मैं चल रही हूं डॉक्टर से लेकर मैं यकीन तो आप नहीं सब कुछ सकते जाओ उसे लेके जाओ अंकुश प्लीज मेरे लिए सब काम जरूरी है मेरे लिए तुम भी जरूरी हो वो भी जरूरी है प्लीज ये लो पैसे ज्यादा हो जाएंगे रख लो आप मैं आपको तुम्हें मेरे सर की कसम है अगर मुझे अपनी बहन मानती हो मैं भी दूंगी तुझे जब तेरे साथ तुम मुझे अपनी बहन मानती हो तो पैसे पकड़ो मेरा नंबर है मैं सीपी में हूँ और मैं क्या कहते हैं मुझे हर कोई जानता है जादू मैं इतने में मेरा काम चल जाएगा ले लो उनका दिल टूटेगा नहीं तो एक बड़ा बुड्ढा ही होता तुम्हें दे रहा हूँ तो मना नहीं करते हैं और क्या कहते हैं अपना काम चलाना हर इंसान ऐसा नहीं होता बाबू उनके कहने का तरीका गलत नहीं था वो मुझे समझा रहे मुझे मैं सच में परेशान हूँ बहुत ज्यादा मुझे नहीं पता आपने मेरी हेल्प की है मदद की कोई बात नहीं लेकिन आपका सारा काम बने मैं आपके लुटा मैं सारे पैसे लुटा ये मेरा नंबर है ठीक पेटीएम कर देना पेटीएम ये मेरा नंबर है माय नेम इज सोनिया आप मुझे मतलब जब भी आपका दिल करे आप पे हो और ना हो तो भी टेंशन मत नहीं मैं आपको लुटा दूंगा थैंक यू सो मच मुझे नहीं पता था मैंने सुना किन्नर ऐसे होते हैं मुझे नहीं पता किन्नर इतने अच्छे होते हैं किन्नर का क्या अपमान मत करो मुझे दीदी बहन दीदी बहन आप कुछ भी कह सकते हैं नहीं नहीं मुझे मैंने सुना था नाम लो पूजा जी किन्नर का क्या बहुत अच्छे ठीक है थैंक यू अपना ध्यान रखना अपनी मम्मी पापा से हमारी तरफ से नमस्ते कहना पैर छूना और अपने भाई को भी आप चिंता मत करना आपका भाई जल्दी सही हो क्या ठीक थैंक यू चलो अच्छा सोनिया जी आप क्या हो गए बात आप क्या हो गए कुछ नहीं बैठो पीछे सवाल ये देनी चाहिए कभी भी कोई बात नहीं लेकिन परेशान है बच्चा कोई और बात होगी हाँ बोलो पहले सॉरी बोलो पीछे सवाल क्यों सॉरी गलत बात कर रही है एक मिनट आप पकड़ो क्यों पकड़ो आप जरूरत नहीं है एक मिनट जरूरत है मुझे ये भी आप ऐसा क्यों आप बुरा लगा क्या बुरा लगा भी रखो अच्छा बाबा मैं तुम्हारे इनकी तरफ से मैं माफी मांग रही हूं प्लीज सुनो एक्चुअली मेरी बात नहीं आप इन पैसों पर रखो नहीं मैं बता रहा हूं एक मिनट मैं एक्चुअली सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहा था मेरे कैमरा लगा हुआ है सामने कहां पे कैमरा लगा हुआ है तो हमारी वीडियो शूट कर रहे हो आप वीडियो शूट कर रहा था मैं दिखा रहा था एक्चुअली कि लाइक होते कैसे आप हमसे पूछ रहे हो बात है हमको बहुत गलत बात है सुनो मैंने समझ रहा हूं पड़ी थी मैं देख के मुझे पता है एक्चुअली सॉरी मैं वीडियो शूट कर रहा था मैं दिखा रहा हूं सोशल एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने वीडियो शूट किया था आप इस अंकुश की इस वीडियो को देख के सब्सक्राइब करें लाइक करें और कोई बात नहीं है मैं तो यही कहूंगी क्योंकि पर तुमने अच्छा नहीं किया हमें बताना चाहिए आपका दिल बहुत बड़ा बहुत अच्छा थैंक यू